हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 7 फरवरी 2020, श्रीलंका के जो नए प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजपक्षा, वो दिल्ली आए हुए हैं। 5 दिनों की उनकी एक विजिट है। तो यहाँ पे जो है, इन्होंने काफी ऑफिशियल्स के साथ यहाँ पे बात की, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवल के साथ भी यहाँ पे बात की, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ भी यहाँ पे बात की। तो बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन हुई है, स्पेशली श्रीलंका जो खुद जो एक डेब्ट में डूबी हुई है, बहुत सारा कर्जा जो चाइना से उनके ऊपर है। तो यहाँ पे इंडिया की असिस्टेंस उन लोग चाहते हैं, जो है तमिल जो रिलेटेड कंसर्न श्रीलंका में अभी नहीं, काफी टाइम से चल रही है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन हुई। जो यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका के जो बायलेटरल रिलेशनशिप्स के यहाँ पे बारे में डिस्कशन हुई, टेररिज्म के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन हुई। तो यहाँ पे हम लोग हर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे इंडिया और जो इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप होने चाहिए, तो इसके बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है, श्रीलंका इंडिया के लिए कैसे एक स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंट लोकेशन में है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत टॉपिक यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक प्लीज देखते रहिएगा। और इससे पहले, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोज के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे श्रीलंका के जो नए प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षा, तो ये 7 फरवरी 2020 को नई दिल्ली आए हुए थे। तो यहाँ पे देखिए, ये नए अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजपक्षा, इनके जो छोटे भाई जी है गोटाबाया राजपक्षा, ये अभी श्रीलंका के फिलहाल प्रेसिडेंट है। और महिंदा राजपक्षा जो है 2005 से लेके 2015 तक श्रीलंका के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो ये जो है अभी श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर है। तो यहाँ पे काफी सारे पॉइंट्स के पर यहाँ पे भारत के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत हुई यहाँ पे। तो स्पेशली यहाँ पे टेररिज्म, ट्रेड एंड इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड यहाँ पे बात हुई। तो श्रीलंका क्या करने जा रही है अभी, जो अपनी 13th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको यहाँ पे बात करने जा रही है। तो यहाँ पे जो है, श्रीलंका के नॉर्दर्न जो पार्ट्स में, नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में जो तमिल पॉपुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, तो यहाँ पे देखिए कि गोटाबाया राजपक्षा जब भी प्रेसिडेंटशिप इलेक्शन में यहाँ पे चुने गए थे, तो वहां पे श्रीलंका के ईस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट से काफी कम वोट मिले थे उनको। तो यहाँ पे देखिए कि श्रीलंका जो है, एक प्रेसिडेंट जो उनके हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, जैसे कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जापान के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यूएसए के प्रेसिडेंट होते हैं, रशिया के प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे ही श्रीलंका के जो हेड ऑफ द स्टेट है ये प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि ये जो है श्रीलंका के प्रेसिडेंट अपने प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे, कैंडिडेट को यहाँ पे चुन सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे, देखिए कि यहाँ पे श्रीलंका जो है एक बहुत ही ज्यादा डेब में डूबी हुई है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए लोगों ने काफी कुछ करनी है। तो यहां पे देखिए कि 2 महीने पहले जो अजीत डोवल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है श्रीलंका भी गए हुए थे, तो वहां पे डिफेंस और मैरिटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन के बारे में भी बात की, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड यहां पे बात की थी, ट्रेड्स के रिलेटेड यहाँ पे बात की थी, कल्चर एंड टूरिज्म के रिलेटेड यहाँ पे बात की। तो यहाँ पे मिस्टर अजीत डोवल जो गए हुए थे यहाँ पे जो जनवरी के महीने में, तो यहाँ पे जो गोटाबाया राजपक्षा के साथ यहाँ पे काफी बात की। तो यहाँ पे देखें कि श्रीलंका जो है एक कर्ज में डूबी हुई है, कि उन लोग की जो हम्बनटोटा पोर्ट है वहां पे, तो चाइना ने उसको जो है 99 ईयर्स तक की लीज पे ले रखी है। तो यहाँ पे चाइना ने बहुत सारे ऐसे जो काम श्रीलंका में किए हैं कि उन लोग की डेवलपमेंट के लिए ही काम किए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि इतना ज्यादा डेवलपमेंट क्या कि वो जो पैसे अभी श्रीलंका को रिटर्न करने हैं, उन लोग उसको जो रिटर्न नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पे जो है प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षा इंडिया आए भी हुए थे, तो काफी सारे यहाँ पे जो एक्सटर्नल डेब्ट है इसके बारे में भी यहाँ पे बात हुई। तो यहाँ पे देखिए, श्रीलंका जो है अभी लगभग जो $60 बिलियन जो है डेब्ट में भुगत रही है। तो इंडिया यहाँ पे जो है काफी डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे जो है असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, यहाँ पे
400 मिलियन की यहाँ पे जो डेवलपमेंट जो एड जो है 400 मिलियन यूएस डॉलर जो देगी इंडिया श्रीलंका को यहाँ पे, और उसके अलावा बहुत ही ज्यादा जो है इंडिया मदद कर रही है श्रीलंका को, नॉट ओनली द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न प्रोविंस, अलग अलग पार्ट्स में भी इंडिया जो है मॉडल विलेजेस बना रही है, स्पेशली जो रानी डुगम्मा एरियाज में वहाँ पे काफी इंडिया जो है विलेजेस बना रही है, बहुत काम कर रही है वहाँ पे। और लास्ट ईयर जो है 2019 में जब गोटाबाया राजपक्ष भी इंडिया आए हुए थे श्रीलंका के प्रेसिडेंट, तो इंडिया ने उन लोग को जो श्रीलंका को 450 मिलियन यूएस डॉलर का जो लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिए थे। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे कहां पे दिए थे, किसको दिए थे। तो देखिए ये श्रीलंका के जो मैप है, तो ये मैप में देखिए ये जो ऑरेंज कलर का जो पार्ट है ये मेनली जो डोमिनेटेड एरिया है श्रीलंकन तमिल, ये जो एरिया येलो एरिया पे यहाँ पे काफी सारे इंडियन तमिल भी रहते हैं, ये जो ग्रीन पार्ट है मेजोरिटी उन लोगों की जो सेंट्रल पार्ट वेस्टर्न और साउदर्न पार्ट जो है उनके सिंगलिश पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे 74% जो है उन लोग के सिंगलिश पॉपुलेशन, 11.2% जो श्रीलंकन तमिल है, 4.2% जो इंडियन तमिल है, और 9.2% श्रीलंका के जो है मूर कम्युनिटी वहां पे रहते हैं। तो नेक्स्ट यहां पे यहां हम लोग को आइडिया मिल गया कि जो है ईस्टर्न पार्ट में कहां पे जो है ईस्टर्न पार्ट एंड नॉर्दर्न पार्ट में ज्यादातर उन लोग के जो तमिल लोग रहते हैं। तो यहाँ पे गोटाबाया राजपक्ष के इलेक्शनशिप में भी जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुई थी तो यहाँ पे काफी कम वोट उनको मिले थे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे श्रीलंका की जो तमिल कंसर्न है यहाँ पे, तो 13 अमेंडमेंट में उन लोग जो है पावर की जो डिवोल्यूशन कर रही है, यहाँ पे इलेक्शन होने वाली है प्रोविंशियल इलेक्शन, तो यहाँ पे जो है श्रीलंका जो है बेसिकली जो तमिल जो यहाँ पे एरियाज में प्रोविंशियल इलेक्शन कराएगी, तो वहां पे जो भी तमिल लोग यहाँ पे चुनेंगे उनको यहाँ पे जो है पावर दी जाएगी, तो यहाँ पे प्रोविंशियल इलेक्शंस की भी बात की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए कि महिंदा राजपक्षा जब प्रेसिडेंट थे 2005 से लेके 2050 तक, तो उनके अगेंस्ट यहाँ पे कोई भी एक्टिविस्ट हो, क्रिटिक्स हो, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस अगर हो जो उन लोग के ओपोजिट यहाँ पे व्यू रखते थे तो उन लोग को हेरेसमेंट किया जाता था। इतना ही नहीं, उन लोग को यहाँ पे एबडक्शन भी किया जाता था, इवन मर्डर्स भी होते थे। और यहाँ पे अगर बात करेंगे गोटाबाया राजपक्षा जब महिंदा राजपक्षा प्रेसिडेंट थे, तो गोटाबाया राजपक्षा वहां पे डिफेंस सेक्रेटरी थे, और उसी दौरान जो है श्रीलंका में बहुत ज्यादा नरसंहार हुआ था। अगर बात करेंगे जो 2009 का जो एलटीटी और श्रीलंकन स्टेट का जो वार है, तो वहां पे हजारों के तादाद में तमिल जो पॉपुलेशन वहां पे मारा गए थे, तो यहाँ पे उसके बाद जो है काफी वहां पे पीस आई थी, तो इंडिया ने उसको सपोर्ट भी किया था, लेकिन वहां पे अभी भी जो है नॉर्दर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट में सिंगलीज पॉपुलेशन को वहां पे सपोर्ट नहीं किया जाता, तो यहाँ पे एक ओपोज व्यू जो है काफी है। तो यहाँ पे जो तमिल जो लोग रहते हैं तमिल कम्युनिटी के, थोड़ी सी उन लोग को एक फेयरनेस भी है कि श्रीलंका के जो अभी दोनों ही भाई जो लीडिंग पावर में है तो यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे देखें कि महिंदा राजपक्षा उनके जो पोर्टफोलियो में यहाँ पे जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री भी है, तो डेफिनेटली जो कर्जे में श्रीलंका डूबी हुई है तो डेफिनेटली इंडिया से उन लोग मदद चाहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे जो टेररिज्म से रिलेटेड, तो यहाँ पे सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन के रिलेटेड, इंटेलिजेंस शेयरिंग से रिलेटेड जो है इंडिया और श्रीलंका ने काफी बातें की, स्पेशली लास्ट ईयर के अप्रैल के महीने में जो ISS जो ईस्टर संडे अटैक हुई थी, तो इसमें काफी लोग वहां पे मारे गए थे, तो इमीडिएटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो अटैक के बाद श्रीलंका में विजिट किया था उन्होंने। तो यहाँ पे देखिए कि अभी जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षा, तो इन्होंने यहाँ पे एग्री की है कि मालदीव्स के जो है श्रीलंका के नीचे आते हैं मालदीव्स, तो वहां पे लीडर्स के साथ यहाँ पे बातें की जाएगी बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर, तो यहाँ पे एक ट्राइलेटरल अरेंजमेंट जो इसके बारे में भी बात की जाएगी जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन को मदद करेगी। तो यहाँ पे देखिए इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स तीनों ही मिलके यहाँ पे एक सिक्योरिटी कोऑपरेशन बनाने की कोशिश कर रही है, और इंडिया ने जो है श्रीलंका को टेररिज्म से यहाँ पे जूझने के लिए ऑलरेडी 50 मिलियन यूएस डॉलर का एड भी दे के रखा है, ताकि यहाँ पे जो है श्रीलंका को मदद मिल सके टेररिज्म से फाइट करने के लिए। यहाँ तो एक देखिए कि चाइना ने भी श्रीलंका को मदद की है, हाई क्लास वेपन्स दिए हैं, लेकिन ये सब जो है चाइना की एक बिजनेस पॉलिसी है, कैसे श्रीलंका को यहाँ पे जो है उन लोग की जो कर्जे में डुबा के श्रीलंका को यहाँ पे श्रीलंका की जो प्रॉब्लम से यहाँ पे फायदा उठाया जाए, ये एक स्ट्रेटेजी है।
नेक्स्ट यहां पे अगर बात करेंगे श्रीलंका जो है इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल लोकेशन में श्रीलंका का जो आइलैंड आता है, तो यहां पे देखिए अभी से नहीं सदियों से अगर ट्रेड से हो तो यहां पे अगर बात करेंगे थ्रू अफ्रीका यूएसए अगर यहां पे एशिया में जाना है तो श्रीलंका एक मेजर यहां पे पोर्ट के हिसाब से उसको यूज किया जाता है। हम्बनटोटा पोर्ट हो या कोलंबो पोर्ट बहुत ही ज्यादा बिजीएस पोर्ट है पूरी दुनिया में, तो वन ऑफ द बिजीएस पोर्ट। तो यहां पे अगर बात करेंगे श्रीलंका जो है एक्सपेक्ट करती है कि इंडिया जो है यहां पे एक एलएनजी पोर्ट बनाए। देन लास्ट ईयर जो है इंडिया और जापान ने यहां पे जो है एग्रीमेंट भी साइन किया था कि कोलंबो के जो ऑयल टर्मिनल पोर्ट पे वहां पे जो है इंडिया हेल्प करेंगे, इंडिया श्रीलंका और जापान तीनों मिलके, और चाइना तो वहां पे बहुत ही जो है काम कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों की यहां पे जो है मेन बिजनेस माइंडेड पॉलिसी है कि श्रीलंका में डेवलपमेंट जो किया जाए, लेकिन श्रीलंका अगर उधारी नहीं दे पाएंगे तो ऑब्वियसली चाइनीज जानते हैं कि यहाँ पे कि उधारी नहीं दे पाएंगे वो, तो पूरी की पूरी एरिया को अपने हिसाब में रख लो, तो ऐसे ही करके श्रीलंका यहाँ पे डेवलप कर रही है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे जो पर्ल ऑफ स्ट्रिंग्स जो चाइना डेवलप कर रही है इंडियन ओशन में वो हम्बनटोटा, ऑलरेडी हम लोगों ने काफी बार डिस्कस किया उसके, हम्बनटोटा श्रीलंका, गदर पाकिस्तान, कायक फ्रू जो है म्यांमार में और चित्तगो बांग्लादेश में। तो एक पर्ल ऑफ स्ट्रिंग्स के जरिए इंडियन ओशन पे उन लोगों का कब्जा यहाँ पे काफी है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इंडिया डेफिनेटली श्रीलंका के साथ काफी क्लोज रिलेशन मेंटेन करना चाहेगी ताकि यहाँ पे जो है इंडियन ओशन रीजन में चाइनीज या फिर दूसरे कोई भी जो पार्टीज हो उन लोगों की इन्फ्लुएंस ना हो। तो इंडिया ने इसके लिए काफी अच्छे रिलेशनशिप सभी कंट्रीज के साथ करके रखे हैं, आशियन कंट्रीज बोलेंगे हम, साउथ कोरिया, जापान, तो बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप्स है। तो यहाँ पे देखें कि चाइना की जो यहाँ पे जब श्रीलंका की बात होती है तो डेफिनेटली चाइना की भी बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पे आती है, तो इसीलिए इंडिया बहुत ही स्ट्रेटेजिकली जो है श्रीलंका को यहाँ पे मदद कर रही है, एक तो श्रीलंका की डेवलपमेंट हो और चाइनीज जो इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन रीजन पे ना हो। तो ये थे हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट इंडिया आए हुए थे। आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्डवर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।